उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में बाढ़ से तराई क्षेत्र में हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं, लेकिन गंगा का जलस्तर स्थिर होने के बाद भी तटवर्ती गांव के बाशिंदों की दुश्वारियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तटवर्ती गांव में बाढ़ का पानी भरा होने से लोग नाव के सहारे आवागमन कर रहे हैं और कई गांव के ग्रामीण बाढ़ के पानी से निकलने को मजबूर हैं। रामगंगा की धार से कटान होने से ग्रामीण भयभीत हैं। बाढ़ पीड़ितों की दुश्वारियां बढ़ती जा रही हैं। पीड़ितों के आंसू नहीं थम रहे हैं, उन्हें तसल्ली देने वाला कोई नहीं है। देखते ही देखते फसलें जहां बाढ़ की चपेट में चली गई तो वहीं कई लोगों के घर भी नदी में समा गए। ऐसे में पीड़ित रोड किनारे डेरा डालने को मजबूर हुए हैं। उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत भरण पोषण की है। राज बाढ़ बहुत है, अब से 3 फुट पानी होगा, घरों के अंदर भरा हुआ। अब बच्चे जैसे नाव से देख के आए इधर, अभी तो रोटी पानी खाना पीना बन नहीं पाता, ऐसे ही रह रहे हैं, क्या करा जाए। कहाँ रह रहे हैं? सड़क के ऊपर, नहीं खाना ना बना रहे। हाँ, सड़क के किनारे, मतलब जो तेज वाहन निकलते हैं। हाँ, तेज वाहन निकलते, बहुत वाहन निकलता है तेज, बच्चे भी नहीं रोक पाते हैं। और सड़क के किनारा भी थोड़ा ही नेक सा है, उस पर ज्यादा होता तब भी सही है। खतरा नहीं लगता है? खतरा लगता है, फिर कहाँ जाए सर? सरकार की तरफ से कोई नहीं आया? सरकार की तरफ से अभी कोई सुनवाई नहीं, सरकार से लेखपाल वगैरह कहानी कोई भी नहीं आया अभी। जिसने कहा वो आके मतलब सड़क पे क्यों रह रहे हो, यहाँ पे खतरा बना हुआ है, कहीं स्कूल में या कहीं मतलब जो है? नहीं, उसको किसी ने अभी कुछ नहीं कहा है, कोई नहीं आया? नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? जयराम। क्या समस्या है पानी से आ रही है? अरे पानी बारे में दिक्कत है, ये पूरा फैलाव इधर चल रहा है, ये फैलाव बावजूद में पूरी दिक्कत हो रही है। लगभग कितने गांव प्रभावित हैं इधर? गांव में तो गांव तो बहुत हैं। समस्या इस बात की कि हम अपनी बात बता रहे हैं कि पूरे कटी धर्मपुर, कटी गंगपुर तो पानी पर प्रभावित है। लगभग कितने बीघा फसल, कितने हजार बीघा फसल डूबी होगी? फसल तो कम से कम 10,000 बीघा डूबी होगी। मेरा नाम रामनाथ। क्या समस्या आ रही है? समस्या साहब पानी की बहुत बड़ी है समस्या है, यहाँ पुलियाँ जो है वो बहुत खतरे की बनी हुई हैं और निकलने में बहुत दिक्कत आ रही है। लगभग कितने बीघा फसल नुकसान हुआ होगा? कम से कम 1,000 बीघे। 1,000 बीघे जी। कहाँ से आए हैं आप? क्या समस्या आ रही है बाढ़ के पानी से? पानी साहब निकलने में बड़ी दिक्कत दे रही है पानी। कितने बीघा फसल डूब गई होगी? फसल तो सभी डूबी है, जितनी है जो ग्राम समाज की सभी डूबी। आसपास कितने गांव प्रभावित हैं? 12 आसपास तो 12 में जा प्रधानी में करीब 50-60 गांव हैं। वहीं प्रदेश में हो रही लगातार बारिश के बाद अब यमुना नदी और चंबल नदी का जलस्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जलस्तर बढ़ने से चंबल नदी और यमुना नदी के किनारे बसे एक गांव के लोगों की अब समस्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि दोनों नदियों का पानी उनके मकानों में पहुंच रहा है, जिसकी वजह से काफी बड़ा नुकसान हो रहा है। इटावा का प्रसिद्ध माना जाने वाला मंदिर कालीवाहन मंदिर भी इसकी चपेट में आ गया और मंदिर परिसर पूरा यमुना नदी के जलस्तर बढ़ने की वजह से पानी में तब्दील हो गया। मंदिर पर दर्शन करने और आने वाले भक्तों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं तीसरी तस्वीर शमशान घाट की है, जहां पर अंतिम संस्कार करने के लिए लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका उपजिला अधिकारी ने जायजा लिया। उपजिला अधिकारी का कहना है कि लगातार बाढ़ पीड़ित इलाकों में प्रशासन की नजर है, जहां भी किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत होती है वहां पर प्रशासन हर संभव मदद के लिए तैयार है। खड़े हुए हैं यहां पे, पीछे से यमुना बैक मार रही है चंबल के बढ़ने की वजह से, तो अभी जल स्तर 1 मीटर के आसपास बढ़ा हुआ है, तो इससे कुछ घर प्रभावित हो रहे हैं। उन लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और 7 लोग अभी निकाले गए हैं, और इन लोगों को हम लोग ये प्रशासन की तरफ से ऑप्शन दे रहे हैं कि जो हमारा अस्थायी शेल्टर होम बना हुआ है, बाढ़ कैंप से बोलते हैं, सुंदरपुर का शेल्टर होम है, वहाँ पे हमारे पास काफ़ी लोगों के रुकने की व्यवस्था हम लोगों ने बना ली है, तो वहाँ पे इनको रुकने का ऑप्शन दिया गया है, या ये अपने मन से बता रहे हैं, अपने रिश्तेदार के जाना चाह रहे हैं, तो उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि वो जहाँ जाना चाहेंगे वहाँ जाएंगे। कुछ मकान अभी कल रात में एक कच्चा मकान था, उससे कोई हताहत नहीं हुआ है, कच्चा मकान था वो, जैसे ही बाढ़ का पानी नीचे जाएगा फिर उसका हम एक वृहद स्तर पर सर्वेक्षण कराएंगे कि कितना नुकसान हुआ है, उसके अनुसार फिर कार्रवाई की जाएगी। शमशान घाट पूरी तरीके से डूब चुका है, अब उसके लिए क्या व्यवस्था की? उसके लिए सरकारी एक जमीन है हमारी यमुना के किनारे, 2-3 घाटे हैं, वो हम लोगों ने देख लिए हैं, सभासद चेयरमैन साहब, यू साहब सब लोग खड़े हैं, उसको जिस जमीन जो भी है चिन्हांकन कर ली गई है, वहाँ पे उसका कार्य कराया जाएगा।
इधर गाजीपुर में इन दिनों गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसका असर गंगा के तटवर्ती इलाकों में पड़ना शुरू हो गया है। इसके साथ ही जनपद में गंगा के अलावा 9 अन्य नदियां भी बहती हैं, जिसमें इन दिनों बेशों और कर्मनाशा नदी भी काफी उफान पर आ गई हैं। दरअसल कल देर रात से बेसो नदी, जो नौनहरा थाना अंतर्गत अटवा मोड़ गाजीपुर बलिया राजमार्ग के मध्य बहती है, इसका जलस्तर भी इतना अधिक बढ़ा है कि अब इसका पानी सड़क पर आ गया है, जिसके चलते इस राजमार्ग का आवागमन ठप हो गया है। इसी दौरान मीडिया की टीम से पास के कॉलेज में जाने वाली कुछ छात्राओं से मुलाकात हुई तो उनका कहना है कि 2 दिनों के बाद परीक्षा होना है और उनका एडमिट कार्ड आज मिलना था, लेकिन पानी बढ़ने की वजह से उन्हें कई घंटे तक इंतजार करना पड़ा। इतना ही नहीं, आज बीएड की परीक्षा भी जनपद में चल रही है और गाजीपुर के मोहम्मदाबाद इलाके में 3 परीक्षार्थियों की परीक्षार्थी, उन्हें भी काफी जद्दोजहद करना पड़ रहा है। प्रज्ञा, अभी आप यहाँ पे खड़ी हैं किस लिए? क्योंकि कॉलेज जाना है मुझे, एडमिट कार्ड लेना था। तो यहाँ तो रास्ता बंद हो गया, बाढ़ का पानी सड़क पे आ गया है। हाँ, तो फिर रोड चल रही है तो उसी से जाएंगे हम लोग। तो क्या लगता है कि आने जाने में आप लोगों को पढ़ाई भी बाधित हो रहा है? बहुत ज्यादा। नहीं, जब घर से आप लोग चले थे तब पता था कि मतलब रोड बंद हो गया है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं था। मतलब कल आप लोग कॉलेज आए थे? नहीं नहीं, सिर्फ आज कॉलेज आए क्योंकि बुलाया गया हम लोगों को एडमिट कार्ड लेने के लिए। जाने में दिक्कतें आ रही हैं, कॉलेज में जाना, एडमिट कार्ड लेने, 2 दिन में पेपर है, जाना भी जरूरी है। तो आप लोग का पता नहीं था पहले से क्या पानी आ गया? पहले से पता नहीं, पता भी था तो कैसे जाएं हम लोग? तो वैसे में तो आप लोग क्या करेंगे? जाएंगे, जैसे भी जाना हो जाएंगे, तो आए हैं तो जाएंगे ही। तो प्रशासन भी तो यहाँ रोक रहा है, तो लोग जा भी तो रहे हैं। इधर हमीरपुर जिले में नदियों की बाढ़ ने जो कहर बरपाया है, उसका दर्द लोगों के चेहरों में उभरा हुआ है। यमुना और बेतवा नदी खतरे के निशान पर होने से एक सैकड़ा गांव और कई लोगों के आशियानों को रेत की ढेर की तरह मिटाकर बेघर कर दिया है, लेकिन इस पानी के सैलाब का कहर अभी भी थमता नजर नहीं आ रहा है। सैकड़ों घर मिट्टी के कटान के साथ नदी में समा गए हैं, सैकड़ों एकड़ कृषि योग्य भूमि को भी पानी निगल गया है और अभी भी कटान होने के चलते सैकड़ों घर मिटने की कगार में खड़े हैं, जिसके चलते गांव के सैकड़ों लोग मौत की दहशत में जी रहे हैं। हुआ है, आपकी समस्या क्या है? हम काल बाहर चले गए थे, हम यहाँ आए तो हमारे यहाँ सामान हटा नहीं पा रहे, तो नदी आ गई, हमारा सामान आधा चला गया, आधा संगोए पाए, अब रोड में पड़े हैं। ना कल से नदी आए थे, ना कल से पुलिस आई, ना कुछ अधिकारी आया, हम मर रहे हैं, हमारी लड़की बिटिया क्या खवाएं, ना कुछ हम राशन पानी हमारे पास है, अजौन है जौन खा बना रहे हैं। कहाँ रह रहे हो आप? हम राट मोड़ में रह रहे हैं। रोड में रह रहे हैं। आप कैसे दिक्कत है, ना कुछ बच्चन के खिलाने के आया है, ना कुछ कोई फिर शासन या ध्यान भी है कि हमका, और ना ये अभी हम रोड में डरे हैं, ना अब उन्होंने कोई आता है, ना कुछ वो करता है, ना हमारे बच्चन का खिलाने का कोई भेजता है, बच्चन का क्या खिलाएं, बच्चे भूखन मर रहे हैं। क्या नुकसान हुआ, कैसे क्या हुआ? कैसे नुकसान हुआ, अब नदी में घाट डूब गए तो मकान नुकसान वाले वो हमारा काम है, सब बहेगा खोएगा। वहीं जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने गांव का निरीक्षण और अलर्ट भी जारी कर दिया है। कुछ लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाने की कवायद शुरू कर दी गई है और बाढ़ की चौकियां भी बनाई जा रही हैं, लेकिन अभी भी सैकड़ों लोग मौत के मुंह में खड़े जी रहे हैं। बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है, बाढ़ चौकी पे जो भी कर्मचारी अधिकारी तैनात हैं, पुलिसकर्मी तैनात हैं, सबको जो है सचेत कर दिया गया, जागरूक कर दिया गया है कि सब लोग सतर्क रहें और आसपास के जो भी इसकी परिधि में आने वाले गाँववासी हैं उनके साथ निरंतर संपर्क बनाए रखें और किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति आती है कि पानी बढ़ता है तो तब उन्हें सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए प्रेरित किया जाए। राहत पैकेज कुछ बनाया गया सर इसके लिए? हाँ बिल्कुल, जो है जैसे ही बाढ़ बढ़ती है तो लोगों को रहने के लिए जो है उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाएगा, उनके खाने पीने की। आपको बता दें कि बेतवा और यमुना नदी में आई भीषण बाढ़ और बारिश ने बुंदेलखंड के लोगों की तो कमर तोड़ ही दी है, सैकड़ों लोग बेघर हैं और खुले आसमान के नीचे जीवन गुजार रहे हैं और कई गांव में अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए आशियानों को उजड़ते देखना शायद अब यहां के बाशिंदों की नियति बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।